हम अक्सर सुनते हैं कि ज्ञानी महात्मा है, वो सारे संसार का सत्य जानते हैं, उनके पास हम अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने जाते हैं। ये उचित भी है कि हमें ज्ञानी ध्यानी लोगों से जीवन और संसार का सच जानने का यत्न करते रहना चाहिए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि संसार का समूचा सच आपके अपने सोचने और समझने पर निर्भर करता है। कोई ऐसी विद्या नहीं जिससे संसार में बिखरे सारे ज्ञान को कोई एक व्यक्ति समझ ले और हमको समझा दे। संसार का समूचा सच जानने का दावा करना एक प्रकार का मन बहलाव है। हमारी समस्या ये होती है कि हम अपने काम में आने वाले तथ्यों को ही संसार का सारा तथ्य या सत्य मान बैठते हैं। एक उदाहरण के लिए, हमें जिस नगर जाना होता है हम उस तक जाने के ही रास्ते की खोज करते हैं। उस समय हम बाकी के नगरों का रास्ता नहीं खोजते। उस खास यात्रा के समय वो शहर ही हमारे जीवन का अंतिम और परम सत्य होता है। इसी तरह जब हम जीवन के किसी काल में किसी समस्या के समक्ष होते हैं, तब उस समस्या से पार पाना ही हमारा जीवन सत्य होता है। और उस समस्या से पार पाने का उपाय जो भी बता दे वही हमारा गुरु बन जाता है। हम ये कभी नहीं सोचते कि उस ज्ञानी के पास संसार का सत्य है अथवा नहीं। इस संसार को समझना किसी एक के बस की बात नहीं, इसे हम सबको हर पीढ़ी और हर युग में समझने का प्रयत्न करना होगा। आप अपने स्तर पर अपना प्रयत्न करते रहिए, संसार को अपने अनुभव से जानने का यत्न करते रहिए। जितना आप स्वयं जानोगे वही संसार का वास्तविक ज्ञान होगा, बाकी सब केवल उपदेश होता है। स्वयं विचार कीजिए।